नमस्कार दर्शकों, सृजन के पथ नामक इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। कला और धर्म भाग 1 में अनेक विषयों पर चर्चा हुई थी। तांत्रिक कला के विषय में आगे चर्चा के लिए कुछ चित्रों का अंकन व परंपरा को दिखाने के लिए प्रस्तुत है। तांत्रिक कला तंत्र शब्द से उत्पन्न कला के विषय में अंकित की जाती रही है। तंत्र का अर्थ है विस्तार या फैलाना। जब यह माना जाता रहा कि कला परम ब्रह्म को प्रस्तुत करने का उपयुक्त माध्यम है, सिर्फ ललित कलाओं द्वारा ही उस असीम को सीमित कर अभिव्यक्ति संभव है, तो कला में अनेक गूढ़ व रहस्यमयी अंकनों की शुरुआत हुई और यह माना जाने लगा कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर ये चित्र, ये अंकन उस स्तर तक पहुंचा देते हैं जहां पर परम ब्रह्म से साक्षात्कार संभव है, जो कि किसी भी धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति में कलाकार अनेक रूपों, विषयों, विश्लेषणों और रेखीय अंकनों के साथ जूझता रहा और अनेक ऐसे तथ्य स्थापित किए जो आज भी भारतीय कला का मूल कहे जा सकते हैं। प्रस्तुत चित्र ओम ह्रीम नामक सुप्रीम पावर का द्योतक है, जो कि तांत्रिक या किसी भी धर्म की मूल वस्तु माना जाता रहा है। यह मूल स्रोत सृष्टि के रचना का स्रोत है। प्रस्तुत चित्र राजस्थानी तांत्रिक चित्रकला का उदाहरण है, जिसमें सप्तलोक और मध्य में ओम ह्रीम लिखकर उस बीज मंत्र का आह्वान किया गया है, जो बीज मंत्र सारी सृष्टि का परिचायक है। प्रस्तुत चित्र सृष्टि तांत्रिक शैली का ही एक चित्र है, जिसमें क्रिया शक्ति, माया शक्ति और काल शक्ति तीनों को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक प्रतीक आध्यात्मिक व दार्शनिक चिंतनों को मूर्ताकार कर रहे थे और यह मूर्तमान स्वरूप दर्शक और सृष्टा दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण थे। ज्यामितीय डायग्राम तांत्रिक कला के मूल में व्याप्त रहे हैं। पंच महाभूतों को ज्यामितीय आकारों में बांधने का महनीय कार्य तांत्रिक चित्रकारों द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें वर्गाकार पृथ्वी का प्रतीक, चंद्राकार जल का प्रतीक, त्रिकोण आकृति अग्नि का प्रतीक, बड़ा बिंदु वायु का प्रतीक और छोटा बिंदु शून्य या आकाश का प्रतीक माना जाता रहा। इन्हीं आधारभूत ज्यामितीय संरचनाओं से अनेक यंत्रों का निर्माण हुआ और उनके बीज मंत्र, देवी देवता, वाहन, आयुध स्थापित कर लिए गए और उन बीज मंत्रों का आह्वान करते हुए देवताओं का आह्वान करने की साधना इन तांत्रिक चित्रकला में व्याप्त रही। प्रस्तुत श्री यंत्र देवी उपासना का प्रमुख यंत्र है। यह त्रिकोणात्मक वृत्ताकार आकारों के साथ व्याप्त होकर उस देवी शक्ति की सपुंजीकरण का द्योतक है, जिसमें यह शक्ति केंद्रीकृत होकर अपने स्वरूप को प्रस्तुत करती है। इसी श्रृंखला में अनेक संप्रदाय सामने आए, जिन्होंने समाज में ऐसी शिक्षा देना शुरू किया जिसमें सभी सामान्य जनों को और विद्यार्थियों को शिक्षा का स्वरूप धर्म के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाने लगा। नाथ संप्रदाय से प्रेरित यह चित्र नाथ संप्रदाय के संत के द्वारा दिए गए उपदेश का प्रतीक है, जिसमें नाथचरित नामक ग्रंथ की संरचना को देखा जा सकता है। यह दुर्गाचरित का चित्रांकन है, जिसमें दुर्गा के स्वरूप को दर्शाया गया है। अनेक हाथों वाली यह दुर्गा राक्षसों का नाश करते हुए युद्धरत है। इसी भांति अनेक देवी देवताओं को प्रस्तुत किया गया, उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं और देवताओं की राक्षसों पर विजय के लक्षण के रूप में सदैव ही कला एक सकारात्मक सोच के साथ प्रस्तुत होती रही। यह सकारात्मक सोच परिमार्जित कला शैलियों में तो प्रस्तुत हो ही रही थी, साथ ही लोक कला शैलियाँ भी इससे अछूती न थी। लोक कला का यह उदाहरण गौंड मध्य प्रदेश का एक उदाहरण है जिसमें देवी को शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है और पूरा शरीर मानो उसके वाहन शेर की जैसा बना दिया गया है। इस तरह यह लोक विश्वास जो प्रचलित परिमार्जित कला के अंदर बनाए जा रहे थे वही लोक विश्वास लोक कलाओं में भी प्रकट हो रहे थे। यह मिथिला की लोक कला का उदाहरण है जिसमें छिन्न मस्तिका देवी का एक रूप बनाया गया और इसी भांति यह अर्धनारीश्वर का रूप जो परिमार्जित शैली में भी बनाया जा रहा था वह लोक शैलियों में अपने रूपाकार के साथ प्रस्तुत हो रहा था। लोक कलाएं अनन्य रूप से धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं के साथ सदैव जुड़ी रही हैं और आज भी वह परंपरा जारी है। प्रस्तुत चित्र काली का रूपाकार है जो मिथिला शैली या मधुबनी शैली का एक उदाहरण है। चटक रंगों द्वारा, सरल रूपाकारों द्वारा, सरल रेखाओं के प्रवाह के द्वारा इन रूपाकारों को लोक शैली में प्रस्तुत किया जाता रहा है। प्रस्तुत चित्र मिथिला का ही एक उदाहरण है जिसमें कमल दल जो कि तांत्रिक चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रखता था, जिस परिमार्जित रूप में पद्म दल, उनकी दलों की संख्या, उनके रंग के आधार पर चक्रों का विभाजन किया गया था, उसी का कहीं यह प्रतीक लोक कला में भी प्रस्तुत हो रहा था। लोक कला का यह चित्र पड़ पेंटिंग से संबंधित है जिसमें लोग समूहों के सामने इसको भोपा या भोपी बाँचते थे और इस तरह सारा अंकन बना दिया जाता था जैसे कि एक कथा चित्र को प्रस्तुति दी जा रही हो। कालीघाट परंपरा का यह चित्र शिव सती को उठाए बनाया गया जो 1960s का चित्र है। कालीघाट में भी लोक परंपरा, लोक विश्वासों का द्योतक यह चित्र बनाने की परंपरा अनंत काल से रही है। यूरोपियन कला की संक्षिप्त चर्चा करना समीचीन होगा क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक भागों में धर्म के साथ कला के जुड़े हुए होने के अनुपम उदाहरण प्राप्त होते रहे हैं। ये उदाहरण बाइजेंटाइन कला का उदाहरण है जिसमें संत पेंटालन को बनाया गया है और यह 11वीं शताब्दी का है। इसी का दूसरा उदाहरण है मैडोना और चाइल्ड, यह भी बाइजेंटाइन कला का उदाहरण है और लगभग 1280 ईस्वी में इसको चित्रित किया गया। चित्रकार अननोन है परंतु चित्र यह दर्शाते हैं कि किस तरह ईसाई चित्र बनाए जाने शुरू हो गए थे और ईसाईयत के चित्र बाइबल के न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट व अनेक कथा और कहानियों को बनाने में जुटे थे। ईसाई चित्रों की परंपरा शुरू होने पर चर्च में उसकी चित्रकारी की परंपरा शुरू हुई और विशाल आकारों में इन चर्चों की दीवारों पर इनको सजा दिया जाता था। माइकल एंजेलो एक विख्यात चित्रकार हुए हैं जो पुनरुत्थान काल के चरमोत्कर्ष की कला को प्रस्तुत करने में सफल हुए और उनका कला के जगत में अनुपम योगदान है। प्रस्तुत मूर्ति माइकल एंजेलो द्वारा 1495 में बनानी शुरू हुई जिसमें उनकी अनुपम कुशलता का परिचय मिलता है। परिचय मनोवैज्ञानिक प्रभावों को बताने का, शारीरिक गठनशीलता को बताने का और किसी भी मूर्ति या दो मूर्तियों को एक साथ बनाने पर कलाकार जिस समस्या से जूझता है उसका समाधान इस सुंदर मूर्ति में बना दिया गया है। यह मूर्ति अपने सलवटों या ड्रेपरी की जो सलवटें हैं उसके गठनशीलता के कारण विख्यात है। पहली बार इस तरह की मूर्ति को बनाकर माइकल एंजेलो ने अपने सामर्थ्य को संसार के सामने रखा और उसका सामर्थ्य और कला रूपों में प्रकट होने लगा। प्रस्तुत चित्र वेटिकन रोम में बने सिस्टीन चैपल की छत का चित्र है जिसमें माइकल एंजेलो ने 37 वर्ष की आयु में 12 साल तक कार्य करके इस महान संरचना की योजना की जिसमें प्रथम तीन में ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना का अंकन है, तो द्वितीय तीन में मनुष्य व पाप के जन्म का अंकन है और अंतिम तीन में संसार में पाप के अस्तित्व के विषय में है। यह 9 चित्रों का समूह है जिसमें माइकल एंजेलो ने अपनी मानवीय संरचना को बनाने के कौशल को अभूतपूर्व व अनुपम प्रकार से प्रस्तुत किया है, जो अवधारणा आज तक चित्रों में नहीं संभव हो सकी थी। माइकल एंजेलो ने चित्रों को धार्मिक विषयों के आधार पर बनाने के बावजूद अपनी कलात्मक व सौंदर्य दृष्टि का परिचय दिया है। यहीं से कला धर्म से अलग होती हुई स्वयं को विकास करती प्राप्त होती है, जिसमें धर्म कला की विषय वस्तु अवश्य थी, किंतु कलाकार अपने व्यक्तित्व को, अपनी रचनाओं को स्वतंत्र कर रहा था और कला का रूप संसार के सामने विशाल रूपों के स्वरूपों में सामने आ रहा था। प्रस्तुत चित्र द लास्ट जजमेंट का है, जिसमें क्राइस्ट के पीछे स्वर्णिम प्रकाश बनाकर उनकी एम्फेसिस देते हुए उनको बनाया गया है और मानवीय संरचना के लाइट एंड शेड के शारीरिक स्थितियों की, शारीरिक मानसलता की यह अनुपम उपलब्धि माइकल एंजेलो द्वारा रचित हुई है। यह चित्र भी लास्ट जजमेंट के अंतर्गत ही बनाया गया है, जिसमें इस मानव के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को देखा जा सकता है, जो भय, कातरता, दुख का प्रतीक है और उसकी शारीरिक स्थिति, शारीरिक मुद्रा इस भाव को व अनुभूति को बताने में सफल हुई है। यह द क्रिएशन ऑफ एडम नामक चित्र है, जिसमें गॉड एडम में अपने फिंगर टिप से उसको स्ट्रेंथ और करेज दे रहे हैं। वह करेज जो ईश्वरीय गुण है। इस चित्रों की श्रृंखला में माइकल एंजेलो ने अपने कलात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। अंतराल के पश्चात कुछ और कलाकारों के विषय में व उनकी कृतियों के विषय में चर्चा की जाएगी। अंतराल के पश्चात आपका स्वागत है। प्रस्तुत चित्र क्रिएशन ऑफ एडम सिस्टीन चैपल का ही एक अंकन है। वॉस्टर पैटर नामक एक अंग्रेज क्रिटिक ने बहुत ही सुंदर तरीके से माइकल एंजेलो की विशेषताओं को प्रदर्शित किया, जिसमें वह माइकल एंजेलो द्वारा रचित मानसलतापूर्ण पौरुषयुक्त आकृतियों को नैसर्गिक सौंदर्य के समतुल्य मानते हैं। वह नैसर्गिक सौंदर्य जिसको देखकर आनंद की अनुभूति होती है। प्रस्तुत चित्र लियोनार्डो दा विंसी एक अन्य महान कलाकार के द्वारा बनाया गया है। यह चित्र मिलन के एक उपासना गृह में बनाया गया है और ऑयल पेंटिंग है। यह 1495 में शुरू किया गया और यह अत्यंत ही बड़े आकार में बनाया गया, लगभग 166 फुट इंटू 355 फुट, अर्थात पूजा गृहों में या पूजा स्थानों में विशालकाय आकारों के द्वारा पूरे वातावरण को ईश्वरमय बनाने की चेष्टा की जाती थी। यह चित्र अपनी मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति के कारण विख्यात है। इससे पहले या बाद में इस तरह की अभिव्यक्ति संभव न हो सकी और यही लियोनार्डो की विशेषता है, जिसमें उन्होंने लास्ट सपर में मनोवैज्ञानिक अनुभूतियों और एक एक व्यक्तित्व की गहराई तक अपनी सक्षमता को प्रस्तुत किया है कि वह किस अनुभूति को सरल रूपों में, यथार्थ रूपों में प्रकट करने में सफल हुए हैं। प्रस्तुत चित्र शैलखंडों की कुमारी वर्जिन ऑफ द रॉक्स है, जो लियोनार्डो द्वारा ही बनाया गया है। नारी सौंदर्य व साथ में चट्टानों का रहस्यमय वातावरण धार्मिक कला का एक अनुपम उदाहरण है। पुनः भारतीय कला की ओर देखने पर यह पता चलता है कि 19वीं शताब्दी से कला में अत्यंत ही आमूलचूल परिवर्तन आने लगे। इन परिवर्तनों का कारण था वैज्ञानिक क्रांति, डार्विन का सिद्धांत व अनेक ऐसे अस्तित्ववादी दर्शन के प्रेरक विचार, जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति को बदल दिया और कलाकार धर्म, धार्मिक आस्थाओं, विश्वासों और उनके स्वरूपों के विषय में पुनः विचार करने को उद्यत हुआ और एक ऐसा कलाकार कला रूपों को लेकर प्रस्तुत हुआ जिसमें धार्मिक विषय न थे किंतु अपने अस्तित्व का चिंतन था। धार्मिक आडंबरों जड़वादी प्रवृत्तियों के कारण यह बदलाव आया, जिसके कारण कला में भी बदलाव आया और सारा संसार सारी मानव जाति में बदलाव आया। किंतु कुछ भारतीय कलाकार हमारी पुरानी उपलब्धियों को पुनः बनाकर अपने इंस्पिरेशन के लिए उन कला रूपों को पुनः सृष्टि कर रहे थे। इस अनुभूति को जीने के लिए यह तांत्रिक प्रभावों से युक्त चित्र श्री पन्नीकर का है, जो तांत्रिक कला या तंत्र कला के पुनरुद्धार या पुनर्विवेचन के लिए कार्य करते रहे। प्रस्तुत चित्र में सिंबल्स और वर्ड्स के द्वारा कुछ ऐसा प्रयोग किया गया कि वह उन भावनाओं का साकारीकरण था जो भावनाएं अंतर्मन से निकलने वाली भावनाएं हैं, न कि यथार्थ रूपों की प्रतिकृति। यह भी सिंबल्स करके सम्रांगन नामक कलाकार का है, जिसमें उन्हीं प्रतीकों, उन्हीं बिंबों और रंग योजनाओं को प्रस्तुत किया गया जो कभी भारतीय मध्यकालीन कला की रूप योजनाएं थीं। अपनी अभिव्यक्ति में उनके साथ नए प्रयोग करके कुछ ऐसे आकारों का प्रस्तुतिकरण हो रहा था जो मूलतः भारतीय ही रहे। स्वामीनाथन एक अन्य कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कला के द्वारा उन अर्थों को स्पष्ट करने की कोशिश की जो अंतर्मन की गहन अनुभूतियों से निकलता है। एक अन्य तथ्य सामने आता है कि धार्मिक अनुभूति और कलात्मक अनुभूति क्या संभव है कि वह दोनों एक जैसी होती हैं। धार्मिक अनुभूति अपेक्षाकृत स्थायी होती है जबकि कलात्मक अनुभूति क्षणभंगुर होती है। धार्मिक अनुभूति व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा होती है और पूरे समाज में सामूहिक रूप से स्वीकार की जाती है, किंतु आज कलात्मक अनुभूति अत्यंत ही पर्सनल या व्यक्तिगत रूपों में प्रस्तुत होती रही है, जिसमें कलात्मकता को अंतर्मन की प्रवृत्तियों, संवेदनाओं, अनुभूतियों के साथ जोड़ा जाता रहा है। तो कलात्मक आनंद व धार्मिक आनंद को अलग करना ही संभव होगा, क्योंकि कला नीति के साथ नहीं चलती। कला का मुख्य उद्देश्य है सौंदर्य का सृजन, जबकि धर्म किन्हीं विचारों, आस्थाओं और विश्वासों के साथ जीवित रहता है। प्रस्तुत चित्र स्वामीनाथन का ही है, जिसमें उन्होंने अपनी आंतरिक अनुभूतियों को लयात्मक प्रवाह व रेखाओं के द्वारा प्रस्तुत किया है। यह उस चेतना को दर्शाता है जब कलाकार अपने अंतर्मन में संवेदनाओं के साथ सौंदर्यपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त होना प्रारंभ कर देता है। तांत्रिक आकारों, ज्यामितीय आकारों से प्रभावित जी.आर. संतोष का यह चित्र उस तांत्रिक अभिव्यक्तियों को पुनर्व्याख्यात करने की चेष्टा है। उनका अरेंजमेंट, ओवरलैपिंग आकार नए प्रयोगों के साथ प्रस्तुत हुए हैं और अनुभूति व मानस को एक ऐसे लोक की ओर ले जाना चाहते हैं जिसमें एक भावतल के स्तर पर अनेक प्रकाशित आकार जन्म लेते हैं। प्रस्तुत चित्र मजूमदार का है, जिन्होंने राधा की मानसिक दशा को दर्शाते हुए यह चित्र बनाया। अनेक रूपाकारों, यथार्थ रूपाकारों में मनोवैज्ञानिक प्रभावों के द्वारा इनका अंकन किया गया है। प्रस्तुत चित्र में राधा की दशम दशा नाम से इसको अभिहित किया गया है और सभी उसके भाव विहल प्रस्तुतिकरण के साथ सारे आकार लयित हैं। प्रस्तुत चित्र रज़ा का है। रज़ा एक ऐसे कलाकार हैं जो आज भी अपनी कला चेतना, कलात्मक प्रयोगों के साथ जुड़े हैं। प्रस्तुत चित्र शून्य ज्यामितीय योजनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला एक लयात्मक प्रवाही चित्र है, जिसमें रंग योजनाओं के लयात्मक प्रवाह को प्रस्तुत करते हुए रंगों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझा जा सकता है। रंग योजनाओं, मनोवैज्ञानिक प्रभावों, संपूर्ण भावतल के आधार पर रज़ा के चित्र निश्चित ही अंतर्मन को टटोलने का एक माध्यम है। प्रस्तुत चित्र भी रज़ा का है, जिसमें उन्होंने रंग योजनाओं व कुछ अक्षरों के साथ इस तरह प्रस्तुति दी है कि वह संपूर्ण धरातल कुछ अमूर्त आकारों के साथ प्रस्तुत हुआ है, अर्थात अमूर्त आकार भी कहीं ना कहीं उस प्रेरणा को, धार्मिक अनुभूति को, चेतना को समझने में सहायक सिद्ध हो रहे थे। प्रस्तुत चित्र मंजीत बाबा का काउज एंड कृष्ण है। गायों की लयात्मक स्थिति, बंसी बजाते कृष्ण एक अलग ही रूप में सामने आए हैं। धारणा सदैव रही है लघु चित्र शैलियों में प्रस्तुत किए गए कृष्ण व अलंकृत कृष्ण की, किंतु यहाँ लयात्मक, प्रवाही, रूपाकार, संपूर्ण धरातल पर प्रवाही रूप से लयात्मक प्रस्तुति करते हुए उस बंसी की धुन को गायों के रूपाकारों में प्रस्तुत करते हुए देखे जा सकते हैं। यह है, प्रयोग हैं जिनमें कलाकार उन विषय वस्तुओं को चुनकर संपूर्ण धरातल पर कलात्मक ऊर्जा को, कलात्मक सौंदर्य को प्रस्तुत करता रहा है। इसी भांति अनेक प्रयोग संभव होते रहे हैं जिसमें माइथोलॉजी या प्राचीन संपदा को, कला संपदा को उन्हें व्याख्यायित करके प्रस्तुत किया जाता रहे या कलाकार अपनी प्रेरणा को प्राप्त करता रहे और अभिनव प्रयोग करता रहे। प्रस्तुत चित्र बालार नामक कलाकार का है। यह प्रिंट है जो कि गोल्डन फॉइल पेपर पर निकाला गया है। इसका टाइटल दिया गया है कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी जैसे विषय चुनकर कलाकार आज उसी तल पर पहुंचने की मानव की ललक को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। यह एक अंश है जिसमें कलाकार अनेक प्रयोग करके नए रूपाकारों को पुराने रूपाकारों के साथ जोड़कर अपनी अभिव्यक्ति को सबल बना रहे हैं। प्रस्तुत चित्र गुलाम मोहम्मद शेख का है जो कि डिजिटल आर्ट का नमूना है। यह एक डिजिटल कोलाज है जिसमें मैकडोनल्ड और मजनून इसका टाइटल है और अपनी अभिव्यक्ति में नवीन प्रयोगों, नवीन तकनीकों के साथ प्रस्तुति देते हुए कलाकार कहीं धर्म के साथ में स्वयं को जोड़कर इस तरह की अभिव्यक्ति देते हैं कि वह उसको धार्मिक विश्वास का प्रतीक न मानकर अपनी व्यक्तिगत कलात्मक ऊर्जा का प्रस्तुतिकरण मानते हैं। अनेक प्रश्न कला और धर्म से संबंधित जोड़े जाते रहे हैं। कलात्मक अनुभूति को धार्मिक अनुभूति के साथ पृथक करने के अनेक कारण हैं जो कि मानवीय वृत्तियों पर आधारित हैं। कुछ कलाकार आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए माइथोलॉजी व रिलीजियस सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कुछ कलात्मक सौंदर्य व अभिनव प्रयोगों के प्रस्तुतिकरण में इनको सहायक मानकर नए प्रयोग कर रहे हैं। इन प्रयोगों के साथ ही अभिव्यंजनावाद, स्यूरियलिज्म प्रस्तुत हुआ तो जड़वादी सौंदर्य की प्रकल्पना के साथ घनवाद, भविष्यवाद व अनेक ऐसे वाद संभव हो सके जो कलाकार के स्वतंत्र अस्तित्व को प्रकट कर रहे थे। कला में सौंदर्य के साथ साथ उसको समाजोपयोगी भी बनाया जाता रहा और कल्याणकारी स्वरूप के कारण धर्म से जुड़ने वाली कला आज सत्यम, शिवम और सुंदरम के तथ्य के साथ जुड़कर अपने रूपाकारों का सृजन कर रही है। कला और धर्म एक दूसरे की पूरक रहते हुए आज मानव का सर्वोच्च लक्ष्य कल्याणकारी होने और आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं।